नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ आरव रिजवाना। लोकसामना न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर कृष्ण चौहान बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड का भव्य आयोजन पिछले 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। अब चौथे वर्ष कृष्ण चौहान फाउंडेशन द्वारा बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड 2022 का आयोजन 10 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। डॉक्टर कृष्ण चौहान का कहना है कि इस बार यह पुरस्कार समारोह पहले से बड़ा और बेहतर होगा। भारतीय फिल्मों और उसकी तरक्की में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। काफ़ी सारी हस्तियां इस समारोह में शामिल होगी। आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए बेहतरीन ट्रॉफी तैयार कर ली गई है और कार्यक्रम की रूपरेखा भी रेडी है। इवेंट को भव्य रूप से किया जाना है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर कृष्ण चौहान न केवल एक सफल फिल्म निर्देशक एवं समाज सेवक है, बल्कि अवार्ड्स फंक्शन करने के मामले में सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। वह KCF के अंतर्गत बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड, बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड, लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड और महात्मा गांधी रत्न अवार्ड का आयोजन पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। 4 मई 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर कृष्ण चौहान ने लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का भव्य आयोजन किया था। अब फोर्थ बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड 2022 का आयोजन 10 दिसंबर को मेयर हॉल अंधेरी मुंबई में करने जा रहे हैं। इसमें कोई डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस भी होगी। इसका पोस्टर सोशल मीडिया पर आउट होते ही वायरल हो गया है। KCF प्रस्तुत इस पुरस्कार समारोह को लेकर डॉक्टर कृष्ण चौहान काफ़ी उत्साहित है। इस पुरस्कार समारोह के बाद डॉक्टर कृष्ण चौहान अपनी अगली हॉरर थ्रिलर फिल्म आत्मा.com की शूटिंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते रहिए लोकसामना न्यूज़, फिर मिलते हैं नए समाचार के साथ।